नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और आज पंचायत सचिव के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार पिछले 5 वर्षों से आंदोलनरत हैं अपनी नियुक्ति को लेकर के, लेकिन अब उनकी नियुक्ति जो है वो रुक गई है, जिसको लेकर के इन लोगों ने कई सारे मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री से तक मुलाकात की और सबका एक ही आश्वासन रहा कि 24 तारीख के कैबिनेट में हम आपकी बात को कैबिनेट में रखेंगे और आप लोगों के हित में जो निर्णय हो सकेगा वो लिया जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कांग्रेस के जन सुनवाई में कही गई थी, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कही हो, चाहे मंत्री आलमगीर आलम ने कही हो। यहाँ पर सभी जो पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर हैं। अभी यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, उसके बावजूद ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग एक बार इनसे बातचीत करते हैं, आखिर आज ये लोग यहाँ पर पहुँचे, कितनी उम्मीद है, अगर उम्मीद पर खड़ी सरकार नहीं उतरती है तो क्या होता है। सर, हम लोग आपसे जानना चाहेंगे, अगर आज सरकार जो है उम्मीद पर आप लोगों पर नहीं खड़ी होती है तो क्या करिएगा। देखिए, काफ़ी उम्मीद के साथ आज हम यहाँ पहुँचे थे, क्योंकि आज कैबिनेट का बैठक है और कल से बजट सत्र भी शुरू होने वाला है। और कुछ दिन पहले हमने सारे मंत्रियों का भी विभागीय चक्कर लगाया, उनके आवाज़ गए, हर तरफ से हमें तो आश्वासन मिला है। बट अभी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी न्याय की मांग करने के लिए एक क्रमबद्ध लाइन में खड़े हुए थे। और जैसा कि सारे मंत्री लोग जब कैबिनेट के लिए अंदर चले गए तो मौसम भी ठीक नहीं थी, तो कुछ लोग एक जगह पर खड़े हुए थे, बट प्रशासन के द्वारा उन्हें जबरन वहाँ से हटाने का प्रयास किया गया, क्योंकि हम शांतिपूर्ण तरीके से एकदम बैठे हुए थे, कोई कुछ हल्ला ना कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, फिर भी वो अपने बारिश से बचने के लिए हम छात्रों को तोड़ा गया और वहाँ से जबरन गुलाम हुसैन को उठाया गया, कुछ महिलाएं भी साथ में हैं जिनको पुलिस द्वारा उठाया गया और धुरवा थाना ले जाया गया है। और जहाँ तक की बात है आज न्याय करने का, तो हम लोग तो अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं। आज तक हम गांधीवादी तरीके से लड़ते आए हैं, पिछले 2.5 सालों से हम हाथ जोड़ के प्रणाम करके हर तरह से अपनी नियुक्ति लेने की मांग की है, मगर आज हमारे प्रति अगर कोई निर्णायक जवाब, पॉजिटिव निर्णय हमारे लिए नहीं लिया जाता है तो ये वही देश है जहां गांधी भी है और भगत सिंह भी है। तो गांधी नीति बहुत हो गई, अब हम लोग भगत सिंह की नीति पर भी उतरने के लिए तैयार है। बस हम चाहते हैं कि आज की कैबिनेट हमारे लिए एक अच्छा संदेश लाए, तब तो सब सही, नहीं तो आगे फिर कल क्या होगा, इसका जवाब सरकार देगी। और सरकार में बैठे हुए तमाम वो आला अधिकारी, चाहे वो कांग्रेस हो, जेएमएम हो, राजद हो, सबको इसका भुक्तभोगी बनना पड़ेगा। इसके लिए हम आगे की रणनीति भी बना चुके हैं, आगे का हमारा जो भी कदम होगा वो बहुत ही भयानक और भयंकर होगा। क्या रणनीति बनी है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी वर्षों का आंदोलन है, क्या रणनीति बनी है? देखिए, आज हम लोग का लगातार मानव श्रृंखला जो 10 तारीख से हम लोग किए थे वो उसी टाइप से बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सरकार हर तरह से हम लोग को बस आश्वासन दे रही है और आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं दे पा रही है। ये हम लोग लगातार अपना जंग जारी रखेंगे हमेशा के लिए, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम लोग पंचायत सचिव नियुक्ति पूरा करके ही रहेंगे। पंचायत सचिव नियुक्ति पूरी करके रहेंगे, बारिश में आप लोग सभी लोग खड़े थे, क्या कहेंगे, किस जिस तरीके से प्रशासन ने आप लोगों को हटाया है, क्या कहेंगे? प्रशासन हम लोगों के साथ सरकार के आदेश के आधार पर बर्बरतापूर्वक हम लोगों से मतलब सलूक कर रही है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग काफ़ी लंबे समय से पंचायत सचिव की नियुक्ति के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं, और वह भी गांधीवादी तरीके से, और अभी तक गांधीवादी तरीके से जो हम लोग मानव श्रृंखला बना रहे हैं, चाहे कि मंत्री के आवास पर पहुंचकर उनसे बात करने की बात है, चाहे जितने भी मतलब गांधीवादी शांतिपूर्वक जितने भी उपाय हो रहा हम लोग से हो पा रहा है, हम लोग गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं, गांधीवाद तरीके से अभी कर रहे हैं। पंचायत सचिव के अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पर प्रोजेक्ट भवन पहुँचे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर खड़े हैं। आगे आज क्या होता है कैबिनेट में, हम आपको वो भी दिखाएंगे। क्या इनके लिए सकारात्मक पहल की जाती है या फिर ये लोग आगे अपनी जो रणनीति बनाए हैं, भगत सिंह की रणनीति जो है उस पर काम करेंगे, वो आने वाले समय में पता चलेगा। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।